हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सलमान और अपन बात करने वाले हैं दोस्तों ब्लैंक लोन हाई स्पीड लेंडिंग लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी चल रही है अभी और 50,000 डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो गए हैं काफ़ी कम समय में। तो ये एप्लीकेशन लोन भी दे रही है। अगर आप दोस्तों आपको लोन चाहिए तो बने रहना है वीडियो में। बिना लोन वीडियो देखे आपको लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। सारी जानकारी मैं आपको बता दूँ, उसके बाद दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करना है, पहले नहीं करना है। तो इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं 50,000 3+ का रेटेड 4.4 का रिव्यू। और इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर ब्लैंक लोन लिखना है और इस एप्लीकेशन को कर लेना है पहले इंस्टॉल। उसके बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन की जानकारी पा लेना है। उसके बाद आपको अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करना है। अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नेम और सब टाइटल हाई स्पीड लेंडिंग सारी जानकारी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और फीचर्स में आपको यहाँ फीचर दिखाई देंगे इस एप्लीकेशन में, आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आपको सुविधा इस एप्लीकेशन में फीचर्स में मिलेगा, तो आपको देख लेना है। यू कैन अप्लाई फॉर अ लोन एनी टाइम एनी वेयर विथाउट प्रोवाइडिंग एनी पेपर मटेरियल्स क्यूक अप्रूवल। द लोन अमाउंट कैन बी अप्रूव्ड इन जस्ट 5 मिनट में आपको लोन मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको ये बता रहा है। और प्रोडक्ट एप्लीकेशन में आपको इसने बताई है, नीड टू बी ए इंडियन सिटीजन एंड हैव ए पैन नंबर। आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी और एज आपकी 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। और फंड से स्टेबल जॉब एंड सोर्स ऑफ इनकम भी आपको इसमें डालनी है। और मीट द अबव कंडीशन दे कैन यूज़ योर आवर लोन सर्विस अप्लाई फॉर ए लोन। तो दोस्तों फिर आप लोन के लिए अप्लाई करें, आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट यूज़ स्टेप बाय स्टेप इसने बताया इस एप्लीकेशन से कैसे लोन लेना। तो इसने बताया पहला इस एप्लीकेशन को आपको कर लेना है डाउनलोड, रजिस्टर्ड कर लेना है अपने मोबाइल के नंबर से। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसने बताया पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट डाटा आपका सारा जानकारी डालना है, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह। उसके बाद रिव्यू में जाएगा लोन एप्लीकेशन। उसके बाद चौथे नंबर पर इसने बताया है आपके लोन पास होने के बाद आपके डायरेक्ट आपके बैंक आपका अकाउंट नंबर डालना, एंटर करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे इसने बताया एनुअल इंटरेस्ट रेट में इसने बताया है, सारी जानकारी आपको देख लेना है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की कितना परसेंट क्या लगेगा। उसके बाद प्रोडक्ट कैलकुलेशन में इसने बताया है लोन 20,000 से लगाकर 20,000 का अगर लोन लेते हो 120 दिन के लिए कितना ब्याज लगेगा, कितने महीने की किस्त बनेगी, कितनी किस्त बनेगी, सारी जानकारी इसने स्टेप बाय स्टेप बताई है। और नीचे आपको इसने बताया है कि इसकी एक वेबसाइट बताई है इसने कि RBI से रजिस्टर्ड है एप्लीकेशन। तो आप देख लेना है RBI NBFC रिलेटेड इस एप्लीकेशन आपको बताना है। और इसमें आपको इसने बताया है एक मेल एड्रेस, इससे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, शिकायत वगैरह बता सकते हो, कोई भी समस्या हो दिक्कत आ रही हो। और इस एप्लीकेशन का डाउनलोड्स आपको दिखाई दे रहे हो, रिलीज 17 दिसंबर को हुई थी और अपडेट 11 मई को हुई। ओके दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन में आपको फर्स्ट में करना क्या है दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन को लोन लेने के लिए आपको पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का फेस आपके सामने आएगा, फिर आपको हेलो परमिशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का फेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि फर्स्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। स्टार्ट लोन अमाउंट होगा, ऑडिट प्रोसेस होगी, उसके बाद आपका अकाउंट में जो पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि 4 प्रोसेस में आपको ये लोन एप्लीकेशन लोन देगा। तो आपको इसने बता रखा है मिनट्स टाइम वगैरह अप्लाई करने के लिए, और 10,000 का लोन बता रहा है, 91 दिन के लिए लोन टर्म बता रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बता रहा है। तो आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, या फिर दोस्तों आपको अपना पासवर्ड नंबर सेट कर लेना है। मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से डालने के बाद अपना पासवर्ड नंबर चेंज कर लेना है। उसके बाद एग्री पर क्लिक कर देना है। इस तरह का फेस आपके सामने आएगा दोस्तों। फिर आपको अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इस तरह का फेस आएगा। तो फर्स्ट टाइम आपको अपना सैलरी या सेफ एम्प्लॉयमेंट जो भी हो आपको डाल देना है। फिर आपको अपनी इनकम डाल देनी है, मान लो 15,000 या उससे ऊपर हो। फिर आप कितने पढ़े हुए, हाई स्कूल, बैचलर्स, नॉन एजुकेटेड, मास्टर, डॉक्टर, सीनियर, जो भी हो आपको वो डाल देना है। उसके बाद आपके पास रेंटेड हाउस है या अदर है, ओवन हाउस है, खुद का हाउस है, तो वो डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फिर आगे की ओर बढ़ना है। और आपकी रिलेशनशिप में आपका नाम जिसका भी आप नाम डालोगे उसका, फादर मदर जो भी है वो डाल देना है, और फादर का नाम डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना। फिर आपको दोस्तों आगे की ओर बढ़ना है।
फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आना है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम नंबर वगैरह सारी जानकारी डालना है। फिर पेन इन्फॉर्मेशन में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पेन की सारी जानकारी होने के बाद आपको आगे की ओर बढ़ेगा ये लोन अमाउंट, और फिर अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपको लोन अमाउंट जो है एप्लीकेशन दे देगी। तो दोस्तों मेरे को लोन लेना नहीं है, इसलिए मैं पूरी जान आपको आगे की ओर बता नहीं रहा हूँ, इससे मेरी सिविल स्कोर का चक्कर पड़ेगा इसलिए। तो दोस्तों ये आपको जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दी है। आपको अपना नाम, अपना लोन अमाउंट सारी जानकारी सही डालनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी ये चीज़ें मांगे वो स्टेप बाय स्टेप सही डाल देनी है। और जैसे ही आप रिव्यू के लिए लोन जाएगा, अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपको एप्लीकेशन लोन दे देगी, तो नहीं तो नहीं देगी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो गए तो नहीं देगी। ओके दोस्तों, तो ये जानकारी तो आपको समझ में आ गई। फिर आपको ये बीच में जो स्टेप बताई दे रहा है अप्लाई लोन, तो दोस्तों यहाँ आपको करंट ऑर्डर में आप जो भी लोन लोगे दिखाई देगा, और यहाँ आपको हिस्टोरिकल में आपको जो लोन लोगे हिस्टोरी में आएगा वो भी यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों प्रोफाइल पर आपको अपना बैंक इन्फॉर्मेशन देखना, सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, यहाँ ये सारा बता रखा है। KYC डॉक्यूमेंट में आपको जान बैंक इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें डालने के बाद, जैसे डन बता रखा, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी थी, रन हो गया, ये एडिट हो रहा है, तो ये चारों चीज़ें डालने के बाद ये पूरा सही स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ें तो आपको जानकारी पूरी मिल गई। फिर पीछे की ओर जाकर दोस्तों रिव्यू देखेंगे, ताकि रिव्यू में ध्यान पड़ सके कितने लोगों ने लोन लिया और कितने लोगों को लोन नहीं मिला, उसके आधार पर अपन दोस्तों लोन अमाउंट जो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों रिव्यू में आप दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट जो रिव्यू दिखाई दे रहा है ग्रेट है, दूसरा रिजेक्ट इन 5 सेकंड, डेली गेटिंग 96% पर प्रोविलेंस, हाई बिन अप्रोवड इन हाई एप्स द नेवर अप्रोव, यानी कि दोस्तों इसने बताया इंटरेस्ट रेट जो ज़्यादा है। तो दोस्तों नीचे इसने बताया गुड ऐप 420 ओनली कलेक्टिंग योर डाटा, वेरी सिंपल एंड क्विक प्रोवाइडेड लोन, वेरी फास्ट लोन। तो दोस्तों काफ़ी कमेंट देखने को मिल रही कि कोई कोई लोन को एप्लीकेशन को अच्छी बता रहा है, कोई लोन को नेगेटिव बता रहा है। तो प्रॉब्लम फॉर फिलिंग द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फर्स्ट ऐप, तो काफ़ी सारा लोग इस एप्लीकेशन को अच्छी बता रहे हैं, देख सकते हैं आप, वेरी गुड ऐप, नाइस, एक्सलेंट। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों लोन दे रही है, अगर आपको लोन लेना है तो ले सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू अच्छा दिया, तो इसका मतलब आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को लोन लिया है इस एप्लीकेशन में, और काफ़ी अच्छा रिव्यू आपको देखने को मिल रहा है, तो देख लेना आपको और लोन लेना। और दोस्तों इसका जो ब्याज है वो देख लेना, और समय भी देखना है कितने समय के लिए दे रहा है, क्योंकि दोस्तों छोटी एप्लीकेशन क्या है थोड़ा ब्याज ज़्यादा लेते हैं, आपको उस हिसाब से देखना फिर लोन लेना। तो काफ़ी सारे लोगों ने अच्छी कमेंट करी है, रिव्यू भी अच्छा आया इस एप्लीकेशन में, और काफ़ी सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट करी, तो इसमें बताया 99% अप्रूव्ड बट अप्रूव्ड वेरी वर्स्ट। तो दोस्तों इसमें बताया कि ब्याज ज़्यादा है, तो आपको देख लेना है लोन एप्लीकेशन को, उसके बाद लोन लेना है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, और कैसी लगी एप्लीकेशन, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आने वाले समय में काफ़ी लोन से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों, मेरा बहुत कुछ होगा। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में काफ़ी नए वीडियो लाने वाला हूँ लोन से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। आप और हम इसी प्रकार हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलूँगा अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।